कहानी का नाम है तेनालीराम बने महामूर्ख। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। इस अवसर पर हास्य मनोरंजन के कई कार्यक्रम होते थे। हर कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार भी दिया जाता था। सबसे बड़ा पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम सबका मनोरंजन करते थे। वह बहुत तेज धमाके थे। उन्हें हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार भी मिलता था। महामूर्ख का किताब भी वह हर साल ही जीत ले जाते थे। दरबारी इसी कारण से बहुत जलते थे। उन्होंने एक बार मिलकर तेनालीराम को हराने की युक्ति निकाली। इस बार होली के दिन उन्होंने तेनालीराम को खूब भंग पिलवा दी। होली के दिन तेनालीराम भंग के नशे में देर तक सोते रहे। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा तो दोपहर हो चुकी थी। वह भागते हुए दरबार में पहुंचे। आधा कार्यक्रम खत्म हो चुका था। कृष्णदेव राय जी उन्हें देखते ही टपट कर पूछे, अरे मूर्ख तेनालीराम, आज के दिन भी तुम भंग पीकर सो गए? अरे मूर्ख! ये सुनते ही जो पूरा दरबार था वो खुश हो गया और उन्होंने राजा की हाँ में हाँ मिलाई। महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तेनालीराम मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सबके मुंह से ये बात सुनी तो वे मुस्कुराते हुए राजा से बोले, धन्यवाद महाराज, आपने अपने मुंह से मुझे महामूर्ख घोषित कर दिया है और आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार का हकदार भी मैं ही हूँ। तेनालीराम की ये बात सुनकर दरबारियों को अपनी भूल का पता चला। वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे खुद ही अपने मुंह से तेनालीराम को महामूर्ख ठहरा चुके थे। हर साल की तरह इस साल भी तेनालीराम महामूर्ख का पुरस्कार जीत गए थे। नानी रहे एक हवेली, आओ बच्चों बुझो पहेली। पिछली बार मैंने पूछा था, तीन मुख की तितली नहा तेल से निकली। तीन मुख की तितली नहा तेल से निकली। जवाब है समोसा। चलो एक और पहेली। ठंडा है तो काला, गरम है तो लाल, फेंको तो सफेद, क्या है भेद? ठंडा है तो काला, गरम है तो लाल, फेंको तो सफेद, क्या है भेद? इसका जवाब जानने के लिए अगली कहानी देखें, तेनालीराम और उपहार।